डेजर्ट रॉक पार्क ये पहली बार ही देखा है। टेंपल हमें तो लगा नहीं किसी एंगल से, लोग बताते टेंपल है तो उन्होंने महाराज से कंप्लेन करी कि भाई हमारे इस तरह सी प्रॉब्लम हो रही है। महाराज ने कहा कि भाई सब ब्लू पेंट करो। गुड मॉर्निंग जी, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। हमारा चैनल जिसका नाम है पुनीत भार्गव। तो अभी चल रही है अपनी राजस्थान सीरीज और हम आज है डे टू ऑफ दिस राजस्थान ट्रिप टोटल। तो हमने कल जो है हम गाजियाबाद से निकले थे खाटू श्याम होते हुए रात को हम सालासर पहुँचे और सालासर पहुँचने के बाद वहाँ पर बढ़िया से दर्शन किए सुबह आज, और अब निकल रहे हैं आगे जोधपुर की तरफ। और जोधपुर की तरफ चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे फिर हमें क्या कुछ मिल पाता रास्ते में। हम रुके हैं यहाँ पे अपना रास्ते पे, ऐसे ही फ़ोटो वोटो खींचने के लिए रुके थे, हाईवे फ़ोटोज़ कुछ इंस्टाग्राम और इन सब के लिए। तो अब यहाँ से बचा है कुछ अराउंड 3 घंटे का और रास्ता जोधपुर का। तो अप्रॉक्सीमेटली बाय 1:30 PM इट इज शोइंग, गूगल शोइंग बाय 1:30 PM वी शुड बी माई फाइनल डेस्टिनेशन जोधपुर। तो आज निकल रहे हैं जोधपुर। जोधपुर में सड़कें बहुत बढ़िया हैं, सड़कों पर इतना बढ़िया काम कर रखा है राजस्थान गवर्नमेंट ने, रियली फिनॉमिनल वर्क। तो मतलब ऐसा है कि अगर आप आदत है ठीक ठाक ड्राइव करते हो तो आप आराम से पहुंच सकते हो, मतलब अच्छे खासे डिस्टेंस पे। ठीक है, बहुत सही लग रहा है ना ये, बहुत लगता है ना, नाइस। चलो चलते हैं जाके। अभी हम जब कहाँ से निकले आज, हम सालासर से निकले। तो सालासर से निकलने के बाद हम जा रहे हैं जोधपुर। तो सालासर और जोधपुर के बीच में एकदम एक पॉइंट आता है खिमसर। तो खिमसर का फोर्ट है, बहुत ही बढ़िया फोर्ट है, बट थोड़ा सा कॉस्टली है, हेरिटेज प्रॉपर्टी है। तो अगर आपके बजट में फिट होता है तो इसको आप अपनी आइटनरी में किसी तरह इंक्लूड कर सकते हो, तो बहुत ही अच्छा है। खिमसर के साथ फोर्ट के साथ साथ इनका एक वो है, सैंड ड्यून्स है, प्राइवेट सैंड ड्यून्स है, जहाँ पर जो लोग रेजिडेंट्स हैं जो यहाँ पर रुकते हैं बेसिकली, तो सिर्फ उन्हीं को ही एंट्री है वहाँ पर जाने के लिए। सैंड ड्यून्स है, प्रॉपर सैंड ड्यून्स है, तो वो डेडिकेटेड। और अभी इसको ITC ने ओवरटेक कर लिया है यहाँ पे, तो आपको वेलकम ITC के नाम से मिल जाएगा ये, वेलकम ITC हेरिटेज, क्या था, वेलकम हेरिटेज बाय ITC खिमसर। तो ये है प्रॉपर्टी का नाम। तो अगर आपके बजट में फिट बैठती है तो इसको आप किसी ना किसी तरह अपने आइटरी में फिट करने की ट्राई करो, सो इट विल बी वेरी गुड एक्सपीरियंस। ऐसे यहाँ पे सड़क में वो बहुत है, यहाँ पे सड़क में गाय वाय बहुत है, ऐसे बीच सड़क में, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस होकर चलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेकर चलना पड़ता है। वेलकम टू जोधपुर हो गए, दिखने शुरू हो गई इस टाइप की ट्रेडिशनल चीज़ें। तो थोड़ी देर में पहुँचते हैं होटल। जोधपुर में हमने क्या किया, हमने जोधपुर में एक स्पेसिफिक मतलब हेरिटेज जो प्रॉपर्टी में रुकने का मन था हमारा जोधपुर में, तो जोधपुर में पर जो महल टाइप लगाओ आप, जो हेरिटेज महल है वो तो बहुत कॉस्टली हैं। तो अपने बजट को देखते हुए हमने क्या सोचा कि एक हवेली ढूंढते हैं, जैसे बेसिकली पुराने घर होते थे तो उनको उन्होंने होटल्स में कन्वर्ट कर दिया है, तो वो जोधपुर मतलब हेरिटेज हवेली के नाम से चलती हैं। तो हमने इस बार एक हवेली फाइनल की और हवेली का जो लुक एंड फील था वो एकदम ट्रेडिशनल, एकदम हेरिटेज था और मज़ा बहुत आया उसमें। बढ़िया बढ़िया से कमरे थे, मतलब एकदम प्रॉपर जगह जगह पेंटिंग्स लगी हुई थी, ठीक है, जगह जगह ट्रेडिशनल कल्चरल आपको मतलब चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है, तो बहुत कुछ था। तो वहाँ रुके और उसके बाद ये सब करने के बाद फिर हमारा फाइनली होटल में चेक इन वेक इन करने के बाद हम फाइनली निकले जोधपुर भ्रमण पे। तो हम यहाँ पहुँचे थे, क्या बोलते हैं, जोधपुर। और जोधपुर पहुँचने के बाद होटल में चेक इन करके, ये पहला है जहाँ पे हम निकल के आए हैं बाहर, तो यह जसवंत थाला बेसिकली एक वाइट टेम्पल है, वाइट टेम्पल संगमरमर का बना हुआ टेम्पल जो हमें बताया है। यहाँ पे एंट्री फीस है 30 रुपीज़ फॉर इंडियन, 50 रुपीज़ फॉर यू नो फॉरेन टूरिस्ट। आगे देखते हैं, जाते हैं क्या दिखता है क्या नहीं दिखता है वहाँ पे, आगे जाके देखते हैं एक बार।
यहाँ पे एक है डेजर्ट रॉक पार्क, ये पहली बार ही देखा है। इस टाइप का कुछ रॉक पार्क है, बीच में एक बढ़िया सा पैलेस बना हुआ है, ये पैलेस कह सॉरी, ये बीच में एक झील सी बनी हुई है, वेरी नाइस। व्हेन यू एंटर दिस टेम्पल, यहाँ पे इन्होंने बढ़िया से कि यहाँ पे भाई साहब बिठा रखे हैं, ये अपना बजा रहे हैं, परफॉर्मेंस चल रही है यहाँ पे। और ये है मंदिर की एंट्री, ये है बहुत ही बढ़िया मंदिर, एक संगमरमर का बना हुआ मंदिर है, और ये इसका व्यू है, अभी अंदर जा रहे हैं, बट फर्स्ट लुक इज वेरी इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव। दिस इज होस्टिंग, जितने भी यहाँ पे आते हैं मेरे ख्याल से शायद जोधपुर के राजा वाजा हुए, शायद उनकी हिस्ट्री है पूरी है। तो जैसे यहाँ पे सबकी फोटोज वगैरह लगी हुई है अंदर। ये जो जगह है, ये जो है, ये बेसिकली टेंपल, हमें तो लगा नहीं किसी एंगल से, लोग बताते टेंपल है, पर यहाँ पे मेजरली क्या है कि वो लगाया हुआ है सारा, जितने भी राजा महाराजा अब तक हुए हैं, तो जो हिस्ट्री मैंने आपको फोटो दिखाई है तो वो वाली है, तो उसका पूरा हिसाब किताब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कौन से किस टाइम से किस टाइम तक कौन कौन यहाँ पे राजा था, तो वो है यहाँ पे मेजरली। बाकी व्यू बहुत फैंटास्टिक है यहाँ से, अगर आप देखो तो ये पूरी फोर्ट की बाउंड्री दिख रही है पूरी, और अंदर भी नीचे जगह जगह इस टाइप के झरोके से बने हुए हैं। पर्पज़ क्या है इनका, एक बार वो देखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा किसी से क्या पर्पज़ है। बाकी ओवरऑल अच्छी जगह है, बट नाइस प्लेस। तो ये जगह है जसवंत थादा, और इतनी बढ़िया जगह है फ्रॉम फोटो पॉइंट ऑफ व्यू, देखने के लिए फ़ोटोज़ खिंचवाने, तो इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मतलब आई बिलीव आराम से, मतलब अगर आप तसल्ली से आओगे तो 2-3 घंटे का काम है यहाँ पे, 2-3 घंटे आओ आराम से, शांति से निकालो यहाँ पे 2-3 घंटे एंड एन्जॉय द डे, मतलब बहुत ही फैंटास्टिक जगह है, मस्ट विजिट। यहाँ से पूरा ढूंढने के घूमने के बाद, इसके बाद हमने अपना अगला स्टेप रखा, विच वाज मेहरानगढ़ फोर्ट, जो कि यहाँ की मेजर अट्रैक्शन है। तो हम पहुँचे मेहरानगढ़ फोर्ट में, हमने वहाँ पे अपना गाइड किया, हु कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि किले में क्या क्या चीज़ क्या है, कैसे नहीं है, इसलिए अलग दिखना चाहते थे कि कोई अगर हिंदू किंग अगर अटैक करता है, हाँ, तो उसको पता रहे कि तो वो इनके ब्राह्मणों के घरों पे अटैक नहीं करेगा। मगर 17 सेंचुरी में क्या हुआ कि जो सोल्जर यहाँ पे खड़े होते थे तो उनके आंखों पे व्हाइट कलर रिफ्लेक्ट करता था, ओके, तो उनको एक तरह से हेडेक होने लग जाता था, तो वो उन्होंने महाराजा से कंप्लेन करी कि भाई ये हमारे इस तरह से प्रॉब्लम हो रही है, तो महाराजा ने कहा कि भाई सब ब्लू पेंट करो, ओके, और 1947 तक ये मैंडेटरी था, ओके ओके ओके, अब ये मैंडेटरी नहीं है, तो इसलिए आपको डिफरेंट कलर दिखाएंगे। देखोगे इसको हम कहते हैं सिंगार चौकी, ओके, ये कोरोनेशन कोर्टयार्ड है, ये कोरोनेशन सीट है जहाँ पे राजतिलक होता था हर राजा का। तो ये जितनी भी नक्काशी दिख रही है ये सारी लकड़ी की नहीं है, सब पत्थर की है, ग्रेट पीस ऑफ वर्क है, मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या है कि अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं काफ़ी सारे, सो कहीं पे पालकीज रखी हैं पुरानी, कुछ कहीं पे आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं, कुछ बच्चों के कपड़े हैं, राजा के कपड़े रखे हुए हैं, एक शीश महल है यहाँ पे, उसके अलावा देर आर लॉट ऑफ अदर सेक्शंस जो कि काफ़ी इनसाइट देते हैं, जैसे राजा का शयन कक्ष कैसा था, राजा कहाँ मीटिंग्स करता था, तो अलग अलग सेक्शंस हैं बेसिकली अलग अलग चीज़ के लिए। ओके, तो आज फाइनली घूम फिर के वापस आ गए, हमारा प्लान कुछ ऐसा था कि शायद हम जाने वाले थे अभी पुराने मार्केट में कुछ लोकल स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करने के लिए, बट नो बारिश की वजह से सब प्लान चेंज हो गया, तो वी आर बैक इन अवर होटल। तो ये होटल कम गेस्ट हाउस है बेसिकली, हवेली है, इसको हम हवेली कहेंगे बेटर रहेगा, इट इज़ नॉट एन होटल। तो हम अपनी हवेली में वापस आ गए और अपने रूम में आके बैठ गए हैं। अब अभी प्लान ऐसा है कि थोड़ा सा ऊपर बैठेंगे, इनको बोनफायर वगैरह के लिए बोला है, तो थोड़ा सा बोनफायर एंजॉय करेंगे, खाना वाना खाएंगे, लेट तक बैठेंगे, ऊपर से फोर्ट का व्यू बहुत अच्छा है, तो वो एंजॉय करेंगे बैठ के। तो दिस वाज द मेन रीज़न हमने चूज़ किया था, एक तो हवेली पैटर्न था, और सेकेंडली यहाँ के जो रूफ टॉप है वहाँ रेस्टोरेंट है रूफ टॉप पे, तो उस रेस्टोरेंट से व्यू बहुत फैंटास्टिक आता है आपका, इसका क्या बोलते हैं ये मेहरानगढ़ फोर्ट का। तो नाइट में मतलब मेहरानगढ़ फोर्ट पर लाइटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी रहती है, तो एक बार चलेंगे ऊपर तो देखते हैं वहाँ पे कैसा किस टाइप का व्यू है क्या नहीं है, उसको एंजॉय करेंगे।
सो आफ्टर ए ब्यूटीफुल इवनिंग फाइनली द डे इज़ कमिंग टू एंड। सो हमने अप्रॉक्सीमेटली कुछ आई बिलीव 8:30 के आसपास बैठे थे एंड इट इज़ नाउ अराउंड 1 AM इन मॉर्निंग। तो आप लगा सकते हो कितना अराउंड मोटा मोटा 4-4.5 घंटे बॉनफायर एंजॉय किया। बहुत ही फैंटास्टिक इवनिंग विद मेहरानगढ़ फोर्ट व्यू, लाइट्स, बॉनफायर, बढ़िया स्नैक्स, व्हाट वी कैन से एल्स। तो इतना बढ़िया मज़ा आया। तो फाइनली फिर अभी सब बंद करके आ गए हैं और फाइनली ब्लॉग को फिर इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और कल अपना एक नए दिन की शुरुआत। बहुत बढ़िया दिन रहा आज का। चलिए जी, थैंक यू है, रब मैर करे सारे जी, गुड नाइट, हैव ए सेफ जर्नी, गुड जर्नी, थैंक यू जी।